संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का बसंत बिहार में। इस वक्त हम मौजूद हैं बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कल्याणपुर पंचायत के मथुरापुर गांव। यहां की जो समस्याएं हैं, यहां के जो ग्रामवासी हैं आप लोग देख रहे हैं, यहां पे सड़क की भी समस्याएं हैं और नई समस्या जो है वो बाढ़ की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो समस्याओं से पूरी तरीके से त्रस्त हैं। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सारिया नरेंद्र में एक अंडरग्राउंड पुल है, उस पुल से पानी पार करके इस क्षेत्र में जहाँ पे हालांकि सुरक्षित क्षेत्र ये माना जाता है, लेकिन फिलहाल उस अंडरग्राउंड पुल से पार होते हुए जो बाढ़ का पानी है इधर तक पहुँच जाता है। यहाँ पे अब सुरक्षित क्षेत्र के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ के जो ग्रामीण है हम इन लोगों से बात करते हैं और उन सभी के समस्याओं को जानने की मेरी बदंती देवी ग्राम मथुरापुर पंचायत कल्याणपुर वार्ड नंबर 12 है। हमारे गांव में अनुसूचित जाति जनजाति का टोला है। इस टोला में हमारे गांव में बाढ़ का पानी 25 जुलाई से तबाह कर दिया है। 25 जुलाई से पानी 24 तारीख को वहाँ पे बांध टूटा था जी। 25 का यही पर ऊपर से जो बारिश है वो भी तो आई है। बारिश तो है नहीं। 25 जुलाई से पानी तबाह कर दिया है। इस टोला के हमारे टोला के जो भी माताओं बहनाओं है, इस टोला के लोग बहुत सारा तबाह है। सबका घर घर सरकारी शौचालय है, उसमें पानी भी घुस गया है। और हमारे गांव का महिलाओं माताओं बहनाओं काका काकी बुजुर्ग ये भी है, उनका पास बहुत सारा समस्या है। वो जाते मतलब जो घर से बाहर जाने में, गांव घर में तो पानी है, घर से बाहर जाने में कई बच्चों लोग के कीड़ा मकोड़ा छू दिया है। हम जिस रास्ते से आ रहे थे लोग ला रहे थे, उस रास्ते पे हम देखे कि कई औरतें जो है हाँ, लोगों में से गिर गई। हाँ, गिर गई। तो इस गांव में आने के लिए कोई मुख्य मार्ग नहीं है, सही से कोई नहीं, नहीं है कोई रास्ता नहीं है। तो इसके लिए आप कभी मुखिया वगैरह या जो भी यहाँ पे जन प्रतिनिधि है, ठीक है, उन लोगों से कभी ये आप लोग उनके सामने बात रखे हैं? हाँ जी जी रखे हैं। जो भी इलेक्शन आता है हमारे गांव के माताओ बहन सब लोग रखते हैं जी, बोलिए सब लोग रखते हैं। आज भी मतलब उस समय में विधायक के भी सुनिए, विधायक हो गए, जिला परिषद हो गए, सभी हमारे मुखिया के चुनाव में मतलब जो जिला परिषद है, मुखिया है, प्रमुख साहब है और सारा वार्ड सदस्य है, तो वार्ड सदस्य के अगर बुता है तो तब तो लड़ेंगी, अंतर नहीं तो मुखिया जो है चाहे कोई भी है। जिला परिषद को आपको विधायक जी के सांसद जी के सभी लोगों को मालूम है, सब लोगों के पास वहाँ तक सूचना दे दिया गया है इस रोड बनाने के लिए। यहाँ तो जगह है ही, सरकारी जमीन है, लेकिन कोई चाहे हमारे यहाँ के कल्याणपुर के पंचायत की जितने भी प्रतिनिधि है वो लोग सारे लोग अगर मिल करके आगे तक अगर जाते, अगर कंप्लेन करते तो क्या हमारा इस गांव का रास्ता हम लोग सुधार नहीं सकते थे? जरूर सुधरना, लेकिन कोई प्रतिनिधि नीचे से ऊपर तक कोई भी अधिकारी गण लोग है, आप लोग हैं, कुछ प्रतिनिधियों के पास गए हुए हैं? हाँ, प्रतिनिधि के पास तो हम लोग गए हुए हैं, हम लोग प्रतिनिधि के पास गए हुए हैं, विधायक जी के पास भी, नेमतुला जी के भी पास गए हैं, एक बार नहीं कई बार हम बोले, वो बोला है कि बन जाएगा का मतलब तो अब तो 2-3 महीने में चुनाव आ गया है। हाँ, चुनाव भी आ गया है, बनते तो कई बार चुनाव निकल चुके हैं, लेकिन लोग आते हैं आश्वासन दे करके चले जाते हैं और जो समस्याएं पड़ा रहता है अब यहाँ के निवासी लोग हैं ऐसे ही झेलते हैं। आपके सामने यही आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कमर भर पानी पार करके इतना हमारे गांव में देखिए कुछ महिलाओं नहीं 9-10 महिलाओं गर्भवती है। बताइए अगस्त से लेकर सितंबर ले उनका मतलब हमारे गांव के उम्र औरत के आइया उमा शंकर जी आइए
अभी भी 9-10 औरत है डिलीवरी, मतलब जो अगस्त से लेके सितंबर ले उनका बच्चा होने वाला समय रास्ता नहीं है। चकमाझन में, चकमाझन में एक फुट पानी था, फिर भी हम लोग लाद के लेके गए। चकमाझन में नहीं गए, उस रोड पे जो नहर का पुल है और वहाँ से गाड़ी से लेकर वहाँ से एम्बुलेंस आया था, एम्बुलेंस उस टोला में था। हम लोग खटिया पर लाद के ले गए चार बंदे, फिर उसके बाद ब्रोली लेके गए, कमर भर पानी पार करके छाती भर अगले दिन फिर खटिया पे उधर से लाद के एम्बुलेंस तो छोड़ ही सकता है क्योंकि रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है तो आएगा नहीं, इधर कोई साधन नहीं। हम लोग गिरे हुए हैं चारों तरफ से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे समस्याएं जो रास्ते की है वो बहुत ही गंभीर है। और लोगों से हम कुछ बातें कर लेते हैं। रहुआ है नहीं रहुआ, कौन समस्या ज्यादा है जी बुझाता है हम रास्ता के गजन बचा रास्ता के गजन मेहर घर के बेटी के शादी में तो कैसे शादी बिया में हम के हाथ टांग के आदमी सड़क पर गाड़ी धरा वाला कैसे गाड़ी है जी आना पानी नुकसान है छाता लगा के गाड़ी को बारात वगैरह भी आवे तो लड़का को उठा के लिए और मालिक साहब का मेरा तबीयत खराब रहा तो हमारे लड़का पिठैया उठा के हिलावत रहे आसन ऊपर तो हम लेके जाते रहिए सीमान हम तबियत खराब रहा अभी घर में हमारे मालिक साहब सुतल बड़े अभी जो ठीक नहीं कर अभी ले जाए करे के आ वोट खतरा आवे ले सन तो यहाँ के गाड़ी होने लगा के पैदल आवे ले जो वोटवा खतरा आवे तो ना जाने ले सके ये गांव में रास्ता नहीं के ते बरा बाढ़ बुढ़े आयल बा ते हेतो समस्या बा गांव में कम से कम जाके ओकरा के देखे के चाही जो गांव के लोग के ए बरा वोट पड़ते बरा 20 गो आई है सर 20 गो है सर झाड़ू उठा के ऊपर पर बनी के एकदम मुड़ी पर से गोड़ पर ले लछन उतार दे सर हम लेकिन लोग कौना हाल में बानी हे मेरे को ना हाल में हमनी का बानी सो कोनो देखे खातिर ना साहब और ई कोनो बात हो कत कत सब मथुरापुर गांव में एथि पानी ने खे आई लो में बाढ़े ने खे आई चारों बगल सब के घेराइल बन सब के बीच में बानी सो तीन आदमी के तबीयत खराब रह तीन आदमी के लाद के लइका पिछैया उठा के आ तब हे ना उतर ले हम पानी तब हमनी के लेके जात रही सीमा अभी तीनों आदमी के तबीयत खराब है तीनों आदमी अभी खटिया धोले बारे फिर ले जाए परी तो ले जाए परी लीवर में मवाद हो गई बाबू आदमी के चलन जाता है उठा के समस्या वैसा हो गई बाबू आदमी के पिठोइया उठा के लड़का पार करे उतर से तो हमनी के लेके जाता नहीं सब कुछ है बढ़ले बा यही जी का वोटवा से कौनो के जीते के होकेला ते जे का वोट मिलेला तो कौनो जीते ले सो बाकी ए जे कौनो ध्यान ना दिए सो ए जे का वोट जवना के निकल जाई जीत जाए आपके पर कौन है जय आई आई तो झाड़ू उठा के अब मार के कपार फोड़ दे सर हम और जाती बिजली दे दिया ये बात कहा जय बताई जो ये समस्या में रोगी के ले जाता नहीं गोड़ बिछला जा का हाल होई तो सुबह ही तो आदमी हमनी के आवत नहीं सत गिर जाता नहीं सर रास्ता में देख नहीं ना सब आदमी नहीं गिरल बने सर वो लोग तो सामने नजर से लोकता और रोगी आदमी वो पानी में गिर जाओ डाढ़ भर पानी में तो अभी का प्राण छूटी भी रही तो कभी ना हॉस्पिटल गई लई ये नहीं सब जगह कर बीत जाई सर वो लोग देख ले तो चार ना देख ले बने लो सर तो चली ना गंगा घूम के नहीं 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 चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये मथुरापुर गांव की जो समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्याएं तो अलग है, उनसे ये लोग निपट रहे हैं। और जो दुखी है वो तो दुखी है ही है, लेकिन परमानेंट जो यहाँ की समस्याएं हैं वो है यहाँ पे सड़क की समस्या है। मतलब साधते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो लोग नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन ये नजरअंदाज ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि जो यहाँ की जो भी मथुरापुर की जनता है वो पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। अब जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि आएंगे वोट लेने के लिए तो ये उसका
उचित जवाब देंगी कि आखिर आपने किया क्या है ताकि हम आपको वोट दे सकें। तो ये है यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं, आप लोग जैसा कि देख चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे सड़क का पूरी तरीके से डिमांड है और हमारा अपील रहेगा जनप्रतिनिधियों से कि जहाँ तक हो सके अगर किसी के कानों में ये खबर पहुँचे तो वो इस समस्या को, जो भी सड़क की समस्या है, जल्द से जल्द उसका निदान करने की कोशिश करें और निदान उसका तुरंत निकाला जाए। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मैं हूं मंतोष, मथुरापुर ब्रावली। चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और मालिक साहब का तबीयत खराब लगे।